नमस्कार, बंसल न्यूज़ का विशेष चुनावी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं बिलासपुर से अमन पांडे, बिलासपुर के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, जहां पर न सिर्फ बिलासपुर शहर के बल्कि बिलासपुर से लगे और भी क्षेत्रों के मतदाता बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि चुनावी संग्राम के बीच उनका मन क्या कहता है और इस बार के चुनावी माहौल में किसे वो देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत शुरू करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? उग्रसेन। कहाँ वोट देते हैं? अपना चाहिए हेरी माइंस। हेरी माइंस मतलब बिलासपुर लोकसभा का किस तरह का माहौल देख रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी तो माहौल उतना खास नहीं है। अभी कौन से मुद्दे अहम होंगे आपके लिए मतदान करने के लिए जब आप जाएंगे? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, सब मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे? आपकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं जिनके कारण प्रधानमंत्री अभी 10 साल के कार्यकाल को आने वाले? भाई नरेंद्र मोदी पहले था जो कांग्रेस के सरकार में कुछ काम अच्छे नहीं हुए थे, और मोदी की जी के भले से अभी तकलीफ झेल रहे हैं लेकिन अच्छे काम हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पसंद है, पहले जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ वोट? मसानगंज। बिलासपुर शहरी वोटर हैं आप। बिलासपुर शहर में आपने भाजपा की सरकार बना दी, अब लोकसभा में किसको साथ देंगे? अब देखिए, फिर बीजेपी बन सकता है। कौन से मुद्दे अहम हैं आपके लिए? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, है तो बहुत। क्या काम करते हैं? मैं बुकिंग करता हूँ जी, ट्रैवल बुकिंग का काम करते हैं। यात्री बहुत सारे आपके संपर्क में आते रहते होंगे, चुनावी बातें भी करते होंगे, किस तरह का माहौल देखते हैं? खैर यहाँ पे तो चुनावी बातें नहीं होती है, क्योंकि आते हैं तो बैठ के टाइम ही पास करते हैं। तो मोदी आपकी पहली पसंद है? सभी की पसंद है। सभी की पसंद। कौन से काम आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे लगते हैं? सभी काम ठीक है जो भी अभी चल रहा है। कौन से मुद्दे अहम हैं? अब मुद्दे अब क्या, कुछ नहीं है। राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको काफी अहम माना जा रहा है, किस तरह से देख? बढ़िया, अच्छा है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लोग मतदान करना चाहते हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ के हैं भैया आप? मैं नानघाट का। नानघाट। अभी चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, किस तरह से देखते हैं, कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं आपके लिए? अब क्या है, जिसको अब देगा वही से, अब अपना तो बात करने का अंदाज नहीं है भैया। चलिए ठीक है, वोट देंगे लेकिन अभी उस पर विचार नहीं किया गया है कि किसको वोट देंगे। और भी लोग हैं जो यहाँ से कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या कहीं से यात्रा करके यहाँ आए, उनसे पूछेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? गाड़ी वाले हैं। बस चलाते हैं या कंडक्टर हैं? कंडक्टर। जो यात्री बस में यात्रा करते हैं उनसे बातचीत होती होगी। चुनावी माहौल अभी बहुत तेज है, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल बन रहा है अभी? नहीं, हम लोग तो उससे पूछ नहीं रहे, अभी तो इधर का चुनाव लेट में है। आप किस क्षेत्र में मतदान करेंगे? हम कोटा क्षेत्र में। कोटा मतलब बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र। कौन सा मुद्दा अहम है आपके क्षेत्र? अब ये तो नहीं बता पाता। किसे वोट देंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, कौन पसंद आता है? मोदी। कौन से काम पसंद आए उनके आप? बहुत सारा काम है, अब बताने के नहीं, आप स्वयं समझदार हो, आप सब जानते हैं। हम तो समझदार हैं लेकिन दर्शकों को बताना होगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आने जाने वाले हैं, जो यात्री हैं यहां से आना जाना करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका रोज़गार ही यहां बस स्टैंड में काम करके चल रहा है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। उनके जो ग्राउंड के वर्कर हैं, जो हमारे समाज के नींव रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव आने वाले भैया, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल? बहुत बुरा माहौल भैया, क्या बताएं। कौन से मुद्दे अहम होंगे मतदान के लिए आपके लिए? मेरे लिए तो कांग्रेस है। क्या काम पसंद है कांग्रेस के आपको? अरे सब कुछ पसंद है, सब कुछ दिया है बेचारा, और क्या देगा, और क्या बताओ ना भाई। कांग्रेस को सत्ता से गए 10 साल हो गए, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है, उनके कार्यकाल को कैसे देख? नहीं, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अभी। नरेंद्र मोदी भी बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहा है बेचारा। तो प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद? वही नरेंद्र मोदी है। तो वोट कांग्रेस को देंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, काम अच्छा कर रहा है वो भी, मगर अपने खानदानी कांग्रेस है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए खानदानी कांग्रेसी है इसलिए वोट देंगे, मतलब जो रूट है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव के दृष्टि से हम देखते हैं तो कुछ पारंपरिक वोटर जिन्हें हम कहते हैं कि वो किसी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा होती है, ऐसे वोटर हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है।
और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं बिलासपुर वासी। कहाँ पे आपका घर है? घर तो बहतराई सकरी बहतराई। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आपका वो है, किस तरह से चुनावी माहौल पूरा देखते हैं? चुनावी माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में, देवेंद्र यादव के पक्ष में। देवेंद्र यादव के पक्ष में युवा प्रत्याशी है, आपको कौन से मुद्दे अहम लगते? कांग्रेसी है भैया, शुरू से कांग्रेसी है। कौन से मुद्दे आपके लिए अहम होंगे? यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ महतारी बंधन योजना दे रहा है, उसको 20 रुपये दारू महसूल रहा है, ये थोड़े योजना है, ऐसा नहीं हो जाता है। सरकार बना है, बोलने का ढंग नहीं है उसको, विष्णु देसाय को, वैसा मुख्यमंत्री नहीं होता है। हाँ, मुख्यमंत्री जो करके गया है वो 15 साल में रमन सिंह नहीं कर पाया भैया। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे कांग्रेस? कांग्रेस को चेहरा जब आला कमांड तय करेगा। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि कांग्रेसी नेता भी यही कहते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक भी यही कह रहे हैं कि आला कमान जो तय कर दे वही सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होगा और उसे ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे। और भी एक व्यापारी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ है आपका घर? गुरुआ मेरी। गुरुआ मेरी, बिलासपुर लोकसभा के मतदाता हैं, चुनाव आने वाले हैं, किस तरह का माहौल? हमारे यहाँ तो ठीक है भाई, अमेरी में। कौन से मुद्दे अहम हैं आपके लिए? मोदी को दे देंगे। कौन से काम पसंद है उनके? सबे काम पसंद है, हम लोग का सबे काम पसंद है। अच्छा, गर्मी बहुत हो चुकी है, आप तरबूज और ककड़ी बेच रहे हैं, कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार वैसे ढीला है भैया, बिल्कुल ढीला, नहीं बताओ। हाँ, तो व्यापार ढीला है, अभी कार्यकाल जो है नरेंद्र मोदी का है, इस बीच आपको क्या क्या फायदे मिले उनसे? फायदा तो कुछ नहीं, यही तो फायदा है हमारा, कमाएंगे तो खाएंगे, मोदी सरकार थोड़े देंगे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी पसंद? मोला देवा थे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप वोट देते हैं? वोट नहीं देते, अभी अंडर एज हैं। ठीक है, ये अंडर एज हैं और भी हैं, आप वोट देते हैं? कहाँ से हैं आप? ग्राम मुरकुटा से। किसे वोट देंगे, किस तरह का माहौल है आपके गाँव में? हमारे गाँव में तो नरेंद्र मोदी का ही वोट आएगा। हाँ, कौन से काम पसंद है आपको उनका? तो सभी कार्य है ऐसे, जैसे कि कांग्रेस के कार्य होते थे, जैसे कि अभी 10 साल में बहुत बड़े कार्य हुए हैं। कौन कौन से काम आपको पसंद है? जैसे कि अभी नए नए कॉलेज खुले हैं, नए नए स्कूल खुले हैं, और सभी दवाइयों में बेरोजगार मिल रहे हैं, और साथ ही साथ सभी जितने भी महिलाओं को है उनको महतारी बंधन योजना दे रहे हैं, साथ ही साथ सभी प्रकार की सुविधा मोदी के रहते मिल रहे हैं। महिलाओं को वोट दे, 1000 की राशि मिल रही है। कहाँ के असदाई? कौन गांव में रही था? नाथी हुई बताई। ठीक है, महिलाएं हैं, थोड़ी संकोच कर रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं अंबिकापुर सरगुजा। अंबिकापुर से। अंबिकापुर में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ का मुकाबला भी काफी कड़ा माना जा रहा है, किस तरह का माहौल है अंबिकापुर में? अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। कौन से मुद्दे अहम है उस क्षेत्र में? सबसे पहली बात तो बेरोजगारी है ना। मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मोदी जी का जितने भी वादे सब झूठे और खोखले वादे, दिखावा कुछ और है और करना कुछ और है, इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। चिंतामणि महाराज कांग्रेस के बड़े नेता थे वहाँ, उसके बाद अभी वो भाजपा में शामिल होकर भाजपा चुनाव दल बदलू नेता के तो बातें मत कीजिए, कभी इधर कभी उधर, वो फालतू है हमारे नजरों में, ऐसे नेताओं का कोई गिनती नहीं। अभी शशि सिंह वहाँ पे जी, बिल्कुल मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। देखिए, राहुल गांधी को देखना चाहेंगे, अंबिकापुर से ये हैं, और दल बदलू नेताओं के खिलाफ इनके मन में काफी आक्रोश है। अभी जैसे चिंतामणि महाराज ने सरगुजा में दल बदल कर फिर से वो भाजपा की खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके मन में आक्रोश है। चलिए बस की ओर चलते हैं, यात्रा कर रहे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि जो चुनावी यात्रा है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जनता किसकी ओर रुझान दिखाती है। बिलासपुर बस स्टैंड के बाद अब हम सवार हो चुके हैं बस में और यात्रियों से बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जब चुनाव को बहुत कम समय बाकी है, मतदान जो है वो बहुत जल्द ही होने वाला है, इस बीच हम जो यात्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे उनके लिए अहम होंगे। और इसके साथ ही क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं और इस बीच तापमान जो है वो 40 डिग्री तक पहुँच गया, इस बीच में यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान भी हैं गर्मी से, लेकिन फिर भी इस बीच हम उनसे संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे। कहाँ जा था बाबा? जोंद्रा चिनाटी। कहाँ वोट देता? कहाँ वोट देवोगा?
कौन ला वोट देबे का का मुद्दा अहम है तोर? अरे अब बता ना भाई, अब हम तो अभी बाहर ले आ धान आ देबो का अब तुम जैसे प्रधानमंत्री के तौर में कौन पसंद है तोला? प्रधानमंत्री कौन पसंद है तोला, मोदी के राहुल गांधी? मोदी का का काम पसंद है इसोकर? का काम बताबोगा देखना, वैसे तो गरीब आदमी हमार आवास नहीं आया है अभी, ये जंजाल हवे। ठीक है, आवास नहीं आया है लेकिन मोदी पसंद है। हाँ तो मोदी को वोट देंगे कह रहे हैं, और भी लोग हैं बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग मस्तूरी जा रहे हैं। मस्तूरी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। प्रमुख मुद्दे कौन प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे चुनाव में? विकास। पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसे देखते? अच्छा था। कौन कौन से काम आपको उनके पसंद आए? उसका आवास है, उज्ज्वला योजना है, ऐसे कई योजना है बढ़िया है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे कि राम मंदिर है, महंगाई का मुद्दा जो है विपक्ष बहुत उठा रहा है, बेरोजगारी, उनको कैसे देखते? अब तो विपक्ष है तो उठाएगा ही ना, विपक्ष है तो उठाएगा। ठीक है, विकास बढ़िया है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी आपकी पहली? मोदी। हमारे साथ महिलाएं भी है, कौन से मुद्दे होंगे आपके, किस चीज को देख? भैया ये बोले ही मन नहीं। कौन ला वोट दे? मैं राहुल गांधी दू। का काम पसंद? ओकर पैसा दी ही 1,00,000 रुपया कहा था। 1,00,000 रुपया दी तेन कहा तेन तेकर कारण वोट दे? हाँ। भाजपा वाले मन भी तो हर महीना 1,000 देवत? अब देवत है भाई, अभी अब उहुल दे देबो, उहुल बढ़ बढ़ के देबो तब बनी भाई। राहुल गांधी वोट देना है? राहुल दी या मोदी दी? एक देखिए, अब कांग्रेस की ओर से जो 1,00,000 रुपए सालाना जो देने की क्या वादा है वो बहुत प्रभावित कर रहा है। अभी अब महिला ने कहा कि वो राहुल गांधी को वोट देंगी केवल इसी कारण। कुछ युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे, कौन से मुद्दे अहम होंगे आपके? मुद्दे को मैं नहीं जानता भैया, मैं आया हूँ बकरकुदा से। इतना दिन होगा भैया मोर आज तक आवास आए नहीं है भैया। अब खैर हमार मोदी साहब जिंदाबाद है और रहेगा, लेकिन अब देख ना भैया हमरो छोटे छोटे हम बाहर से आते हैं प्रदेश से अभी, तो अब क्या करें, धोखाधड़ी बढ़े भैया। तो मोदी ला वोट देना है कि नहीं देना? काबर नहीं देना है भैया, वो आवाज तो नहीं आएगा? आवाज नहीं आए तो आ जाए भैया, मेहनत तो करेगा रहेंगे। आवाज आ जाए, पूरा भरोसा है मोदी ऊपर? अब भरोसे बस तो है भैया। अगर राहुल गांधी बन के प्रधानमंत्री? आप ज्ञानी मैं अज्ञानी। अब क्या गोठिया भैया, आवास आवास नहीं आया लेकिन भरोसा पूरा है कि आवास आ जाएगा, इसीलिए मोदी को फिर से वोट देंगे। और भी महिलाएं कहाँ जावा था? आई मोर साथ में मोर वाइफ है। ठीक है, लड़का मन ही। देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब परिवार अभी बाहर से आए हैं और अपने गाँव वापिस लौट रहे हैं, और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? जोंधरा। वोट देंगे, कौन से मुद्दे अहम होंगे? मोदी को। मोदी को वोट देंगे, ठीक है। अहम मुद्दे कौन से होंगे, किन कामों को देखकर वोट देंगे? उसका काम अच्छे हैं। कौन कौन सा? अभी देखो मातारी योजना चला रहे वो अच्छे हैं, और वो ये कन्या योजना चला रहे वो भी अच्छे हैं, सभी काम अच्छे हैं उसका। और जो महंगाई और बेरोजगारी बोलते हैं विपक्ष वाले, उसके बारे में क्या कहना? तो महंगाई तो बढ़वे करेगा, कोई राहुल बने चाहे मोदी बने। तो मोदी जी पहली पसंद है आप? हाँ। आप किसे वोट देंगी, कौन आपकी पहली पसंद? मोदी। कौन से काम पसंद है? अब महिलाएं लोग को तो 1,000 दे रहे हैं ना, और क्या। देखिए महिला वोटरों से भी हमारी बात हुई, एक महिला का कहना है कि जो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो 1,00,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है वो महत्वपूर्ण है। एक महिला का कहना है कि 1,000 रुपए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो भी अहम है। और भी एक महिला है, किसे वोट देंगी आप, कौन से मुद्दे अहम है आपके? जो हम लागे बढ़ाई वाला वोट देबो। कौन बढ़ाई का लगते है? 1,00,000 रुपए हर महीना डाले साल में दे थे, साल भर में ओला वोट देबो। 1,00,000 रुपया साल भर में दी तेन ला वोट देना, मतलब कि कांग्रेस पार्टी ला। और प्रधानमंत्री के काम कैसे लगते? प्रधानमंत्री का काम करा वो बढ़िया, वो अच्छा है। अच्छा। का काम बढ़िया लग? हर काम अच्छा है, अजी आवाज देते हो, आवाज देते, हर चीज देते, गरीब आदमी ला आगे उठाते, सब अच्छा है। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहला पसंद कौन है आप? उसको जानकारी नहीं वहाँ तक। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी?
अब जो आगे बढ़ जाओ इससे आगे बढ़ जाए। देखिए विकास है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं लेकिन विकास को अच्छी तरह समझते हैं, जो बेहतर काम करेगा उसे ही वोट देंगे। साफ कहना, युवा मतदाता हैं आप, वोट देते हैं? एज नहीं हुई है, नहीं हुआ। देखिए आयु नहीं हुई है लेकिन देश के निर्माण में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं लवन जा रहा हूँ। किसे वोट देंगे? चुनावी माहौल क्या कहता है? मैं तो दूंगा भाजपा को। क्या काम पसंद भाजपा का? तो मुझे उसका हर ही काम अच्छा लगता है, मोदी के वजह से देते हैं उसका। अच्छा, मोदी जी का चेहरा देख के वोट देंगे। कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे मोदी जी के? उसके योजना के बारे में तो मुझे पता नहीं पर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे कोई काम कुछ जो उन्होंने किया हो जो आपको अच्छा लगे? वो तो जो जो बोलते हैं वो हमेशा ऐसे तो करने में सक्षम रहते हैं, उसी को मैं दूंगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने कहा कि जो भी बोलते वो हैं वो बहुत अच्छा है। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत। कहाँ जाते हैं भैया? पचपेड़ी। कहाँ है तोर गांव के माहौल? कौन ला वोट देवा थे सब जन? मोदी, BSP। मोदी का काम पसंद है? अब जो भी निर्णय लेके वो काम करते पसंद आते मोला। अच्छा। मैं जब से वोट डाले के हाँ वही ला देवा था। और राहुल गांधी के नाम ला भी बहुत जन बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं BJP को देता आया हूँ। और भी लोग हैं, युवा मतदाता हैं, कौन से मुद्दे अहम होंगे आपके लिए? मतलब जो मोदी है ना वो बढ़िया काम करता है ना, वो तो मतलब वो जो काम करता है वो अलग ही काम करता है, मतलब अच्छा काम करता है वो। हाँ, किसान के लिए भी ठीक काम करता है और जो गरीब भी है उनके लिए भी है ना, सबके लिए बढ़िया काम करता है। देखिए युवा मतदाता हैं जो मोदी के समर्थन में हैं, इनके अलावा बहुत सी महिलाओं से भी हमने बातचीत की। किसी को कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है जो योजना का अभी जो उन्होंने घोषणा की है कि हर साल 1,00,000 रुपए देंगे वो पसंद आ रहा है, तो किसी को ये भी पसंद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर महीने जो 1,000 रुपए महतारी वंदन योजना के तहत दे रही है। अब देखना होगा कि बिलासपुर के ये मतदाता जो अभी अपने मन बना रहे हैं वो अंततः 7 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करते हैं और बिलासपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसकी जीत होती है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।